बिसमिल्ल वसलात वसला रसूल वाल आर वसाब अजमैन रबिश राहली सदरी वसरली अमरी वहदत लसानी यफ़ा कौली असल वरम वबरक एंड वेलकम बैक टू यट अन द प्रोग्राम ऑफ द यूथ डायलॉग और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर करता है हमारा आज का टॉपिक काफ़ी चीज़ों के सेंसिटिव एरियाज़ को डिसकस करने वाला है और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं मैं एक आयत के साथ शुरुआत करना चाहता हूं हूँ आउदबिल्लामिन शैतानजीम अरजाम अल निसा दैट द मैन आर केयर टेकर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओवर वेमेन नाउ वॉट डू यू मीन बाय दिस वर्स और मेरी बात का आज ये कोट करने का जो बेसिक आयत कोट करने का जो इंटेंशन है इज़ टू रेज द टॉपिक ऑफ़ आ ब्रदर्स आर हसबेंड्स जो हमारे माशरे में हसबेंड्स हैं जो ब्रदर्स हैं जो बेटे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी बहनों को अपनी बीवियों को अच्छी तरीके से ट्रीट करने की एट टाइम्स दिस आयत इज टेकन टू एक्सटेंट एंड इज मिसयूज इन ऑर्डर टू डिमांड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट हाउ मच आर वी रिस्पॉन्सिबल इन गिविंग आर सिस्टर्स दे ड्यू शेयर टू डिंग नाइस

एज सन्स इन ट्रीटिंग द फीमेल्स इन आर सोसाइटी दोस्त हुआ पार्ट ऑफ अ फैमिली जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है डू यू ट्रीट दम लाइक लीडर्स डू वी ट्रीट दम लाइक बॉस डू वी ट्रीट दैम इन अ मैनर द प्रोफेसर ट्रीट इड हिज वाइफ और हिज डॉटर्स और अदर पीपल और मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी हुआ फीमेल्स आज का हमारा टॉपिक इस चीज को हाईलाइट करता है एंड आई स्टार्ट ऑफ विद अधल एंड अदिल क्या आपके कमेंट्स हैं अबाउट दिस टॉपिक

कहीं पे किसी चीज़ का नाम रख के इस्लाम को यूटिलाइज़ करके उसको घुमा फिरा के हमें जो पर्सनली ख़ुद करना होता है हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड हम जो इस्लाम की बेसिक जो गाइडलाइंस के पीछे अलाट ऑफ टाइम्स जो उसके पीछे हिमत है उसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर जाते हैं एंड वही बात है ना कि वो एक ही आयत को डिफरेंट तरीक़ों से करके समाइम्स इट्स ओनली बिकॉज हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाह रहे होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे होते हैं तो डेट इज़ वन थिंग दैट आई फील हमारी सोसाइटी में फ्रॉम स्पेशली दिस मेल एस्पेक्ट हम बहुत देखते हैं बाकी सब सही ये जहाँ पे आया हाँ देखो ये यह, यहाँ पे कुरान ये कहता है हाँ hmm. देखो यहाँ पे बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग ऑन देयर ओन और वो सिर्फ कुरान को और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जस्टिफाई करने के लिए उनकी एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको नहीं अप्लाई कर रहे होते उसके hmm. पीछे जो हेकमतें हैं जिस तरीके से उनको अप्लाई किया गया था जो उसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है जो हमें डिफरेंट hmm. और डिफरेंट शलफ़ के अकवाल से और अमाल से उनके एक्ट से मिलती है साहबा के एक्ट से मिलती है उसको जहन में उस वक्त नहीं रखा जाता एंड दिस इज वाई वीव चोजन दिस टॉपिक एंड अनफॉर्चुनेटली वी है बट दे हैव टू गो जो अपना हमारे एक एकेडमिक और एक लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते थे हमने ये टॉपिक इसीलिए उठाया है और हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि हम उन नौजवानों को जो कल एक बाप बनेंगे एक भाई हैं कल को उनके भी बेटे होंगे इन तो वो किस तरह से सोसाइटी में हमारी जो सिस्टर्स हैं जो फीमेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें क्या उनको एक इंपॉर्टेंट रोल दें और हमारी सोसाइटी में यूजली एक इशू होता है वेयर उनको जो बेसिक राइट्स हैं एंड कभी कभार इस्लाम का नाम लिया जाता है उनको इस नाम पर उनके बेसिक रॉइट्स छीन लिए जाते हैं एजुकेशन है दे फ्रीडम फॉर अ लॉड ऑफ थिंग्स सेंग के ये आयात भी कोर्ट की जाती है कि नहीं हम जो है हमारी बात मानी जाएगी और इसको कभी कब मिसकोड भी किया जाता है इसाक डू हैव टू से ऑन दिस जी बिल्कुल जैसे आपने आयत कोट किया और रचालनासा के आ, मर्दों को अला साल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है औरतों के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब जिस जिसको बड़ा बनाया जाता है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसके साथ राइट्स भी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फादर जो है उसके अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका राइट्स उसके राइट्स हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोनों साथ साथ चलते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को रिस्पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे दी लेकिन उसके राइट्स कुछ नहीं है या किसी को राइट्स बहुत ज़्यादा दे दी और उसकी रिस्पॉसिबिलिटीज़ कुछ नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से आ, मदर के रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं तो उसके राइट्स भी हैं जितनी ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटीज़ अल्लाह स ने बढ़ाई हैं उतनी ज़्यादा राइट्स भी बढ़ाएं और जितनी रॉइट्स बढ़ाएं उतनी रिस्पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाई हैं बिल्कुल इसी तरीके से अगर अल्लाह सुमाना ने हस्बेंड को कुछ राइट्स दिए हैं तो अल्लाह अला ने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी रखी हैं जैसा कि एज़ अ फादर अगर मेरा कोई मेरे बाप जो है मुझे किसी चीज़ से रोकते हैं उनका राइट है मुझे रोकना तो उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उनको मेरी तरबियत करनी है मेरे खाने पीने का इंतजाम करना है मेरे कपड़ों का इंतजाम करना है हर चीज़ का इंतज़ाम उनकी ज़िम्मेदारी है तो जिस तरह उनके राइट्स हैं उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब भी अक्सर लोग अगर मिसकोड करने की कोशिश करते हैं कि देखें अल्लाह साल ने जो है वो हस्बैंड को जो है या मेल को जो है वो इतने ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं तो वो इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं इसीलिए एक स्कॉलर कहते हैं कि अगर मैन uh, को अगर मर्दों को पता चल जाए कि औरतों के हकूक़ कितने अल्लाह ने दीन में दिए दी हैं तो मैन वुड लाइक टू बिकम अ वूमेन तो ये चीज़ क्योंकि जब वो बेटी होती है तो वो अपने बाप को जन्नत में लेके जाने हुँ. का ज़रिया बन जाती है जब वो बीवी होती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए जन्नत का लेके जाने का जब वो माँ होती है तो उसके पाँव के नीचे जो है वो जन्नत रखी है जब वो सिस्टर है तो वो उसका ख्याल रखती है वो अला सुना ने कितनी कितने औरत को कितने ज़्यादा राइट्स दिए हैं कि वो आ, ये कर सकता है। अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन बेसिकली ये रेज होता है कि वाई इज़ अ फीमेल ऑलवेज अटैच्ड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग विद मेल किसी की बहन है किसी की माँ है किसी की बेटी है ये इश्यूज रेज होते हैं हमने वेरी रीजन वाई वी स्टार्टेड ऑफ विद द आया वाज इसका एक अलग ट्रांसलेशन भी है कि जो मेन है आर मेंटेनर्स ऑफ वेमे आर केयर टेकर्स ऑफ वेमे कि उनके ख्याल रखने की रिस्पांसिबिलिटी जैसा हमने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉन्सिक्वेंस भी हैं अकाउंटेबिलिटी भी है द पॉइंट इज हमारे माशरे में विदाउट द अटैचमेंट ऑफ मेल्स वाई आर फीमेल नॉट गिविन मच इंपॉर्टेंस Uh, मेरा ख्याल है कि मेल भी कही कहीं ना कहीं हस्बैंड होता है कहीं फादर होता है कहीं बेटा होता है और जब बेटा होता है तब तो वो ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है अपने मदर uh, के अंडर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं हकूक़ कम हैं तो अल्लाह से माता ने ये दी है और हमें इस बात को भी बिल्कुल वाजे तौर पर समझना चाहिए कि अल्लाह अला सुमां ने मर्दों के मुकाबले में औरतों को पैदा नहीं किया बल्कि इन दोनों को साथ साथ सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है असल में प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में मुकाबला किया जाता है कि मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है या फीमेल को ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए बल्कि अल्लाह अला तआला के नजदीक किसकी इंपॉर्टेंस है वो हमें देखना चाहिए एंड मेन हैव अ डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी बोथ आर नॉट कंपेरेबल दोनों के अलग अलग अपने राइट्स हैं uh, कुछ जगह पे अल्लाह पर तआला ने उनको इक्वालिटी दी है कुछ जगह पे इक्विटी है ये सब चीज़ें हैं एहसान एंड आई विल अपोज दिस क्वेश्चन टू यू दैट वाई इज इट कि कभी हमें ये नहीं बोला जाता कि वो किसी का का मियाँ है वो किसी का बेटा है वो किसी uh, का क्या कहते हैं सो एंड सो है किसी का हस्बैंड है बट

अगर आप उसको थोड़ा सा ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो वो शुरू से एक मजलूम तबका रहा है इसलिए आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक बहुत बड़ा जो काम था वो औरतों को लिबरेट करने के ऊपर था अब इससे हुआ यह कि ये जो ये जो एक एटीट्यूड है ये कोई नया एटीट्यूड नहीं है ये थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट करता रहा है और आज हम उसी का एक फॉर्म नया फॉर्म देख रहे हैं ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में होता है या ये इंडो पाक रीजन का एक मसला है ये दुनिया भर का एक मसला है दुनिया भर के अंदर खातीन के मामले में आ, औरतों के मामले में एक जो मिजाज पाया जाता है वो इसी तरह का है और वो एक नेगेटिव मिजाज है hmm. और असल में बात सारी ये है कि इसको अगर मैं बहुत शॉर्टली समराइज करूँ तो जो आपने आयत कोर्ट की तो हम अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का केयर टेकर बनाया है हम लॉ मेकर बन जाते हैं औरतों के एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज कि आपको जब एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उस हद तक रहें आप उसको एक्सपेंड करते करते वाना चले जाएं कि आप कहें कि मैं क्योंकि अब कैर टेक कर हूं क्योंकि मैं हर चीज की देखभाल कर रहा हूं तो लिहाजा मैं ही बताऊंगा ये क्या करना है hmm. क्योंकि वहां पर आप इस्लाम ने जो उनको राइट्स दिए उसको ट्रांसग्रेस करना शुरू कर रहे हैं hmm. तो दैट आई बिलीव इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इन कि ये एटीट्यूड क्यों हमारे आ, मर्दों में डेवलप हो गया और इसको ब्रेक करना जो है ये कोई एक दिन की बात नहीं है और यही बात को हम डिस्कस करने के लिए हमने ये टॉपिक चुना है और इसके ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह से हमें एक रिस्पॉन्सिबल फादर एक रिस्पॉन्सिबल ब्रदर एक रिस्पॉन्सिबल सन होने की ज़रूरत है और लोगों तक ये बात पहुँचाने की ज़रूरत है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर बने बींग मेल एंड गेट नॉट टू कंट्रोलिंग ओवर दीज मैटर्स हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं डोंट गो एनी वेयर विल बी राइट बैक Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back after the break. And we were talking the break, uh, male's responsibility towards being responsible brother, responsible husband and responsible son. And what responsibility we hold as... इंडिविजुअल्स और द फैमिली मेंबर जो इस्लाम हमें तालीम देता है हम किस तरह से उसके ऊपर अमल कर सकते हैं एक और इशू आता है जैसे हसान ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमेशा एक ऑपरेशन की तरफ एक बात की गई है उनके राइट नहीं दिए गए उनके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से उनको जो है एक लेस इम्पोर्टेंस दी गई है जिसकी वजह से आज ये इशू ड्यू टू द कम्यूनिकेशन आस्पेक्ट इन्फॉमेशन फ़्लो की वजह से काफ़ी लोगों तक ये बात पहुँची है और काफ़ी एरियाज़ में इसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी आया है द सेम टाइम इसका एक एक्सट्रीम मिस

Um, आपने जो ये जो लॉ मेकर्स की बात चल रही है इसमें तो वेरी ऑनेस्टली वी आर सच अ मिक्स ऑफ आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन और हमने इन चीज़ों को इतना मर्ज कर दिया है बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ द सब कॉन्टीनेंट हमारी एक कल्चरल हिस्ट्री भी है और उसमें कल्चरल वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जो हम अवर नॉन मुस्लिम ह्यूमन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर करते हैं तो कहीं कहीं पर हम उनको भी इतना इंटरमिक्स कर देते हैं कि हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते जहाँ तक आपने बात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी वाइफ और अपने बेटियों के साथ स्पेशली जहाँ तक ताल्लुक है तो आप देखें इट्स सच अ ब्यूटीफुल यानी यू नो यू गेट सच ब्यूटीफुल एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल अहदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी आती थी फातमा रदील आन तो किस तरह वेलकम करते थे खड़े हो जाते थे अपनी जगह पर बिठाते थे आप बताएं आपने कितनी अपनी फैमिली गैदरिंग्स में इस तरह देखा है कि एक फादर अपनी बेटी को इस तरह ट्रीट कर रहा हो इतने ब्यूटीफुल तरीके से आई रिमेंबर एक स्कॉलर इस बारे में बात कर रहे थे ये जो कुछ पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारी जवान जवान बेटियां जो हैं वो अफेयर्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उन्होंने उसका रीज़न सिंपल आइडेंटिफाई किया कि जब आप घर में प्यार नहीं दोगे इंसान की प्यार की बेसिक नीड है आप घर में प्यार नहीं दोगे इंसान कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा

मेरे सामने किस तरह गुस्सा कर दिया हमारे यहाँ तो मर्द फौरन बट ही कंट्रोल्ड इट ही काम्ड हर डाउन नॉट के हस्बैंड को गुस्सा आ गया तो बीवी अब सब कुछ छोड़ के सब कुछ करके अपना गुस्सा सब कुछ पीजा नो शी इज ऑल्सो ह्यूमन बींग उनके भी इमोशंस होंगे एंड ही अंडरस्टूड दैट And he dealt with it in one of the most beautiful ways that we can find in the entire history. One example, it's not that we can pick and choose. Because this is the way it is, it's not going to be done, it's not going to be done. Now, I'm going to tell you that the first thing I have to say was Khadija. She was a businesswoman. He dealt with everything in the most perfect manner. बिकॉज द आइडिया वॉज क्लोजर टू अल्लाह सुबातो रिस्पांसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द मेल्स इन आ सोसाइटी कि वो अला सुमा के साथ तल्लुक उनके साथ जुड़ें हमारे सोसाइटी में उनको मस्जिद सही तरह से जाने की वो आ, नहीं इजाजत दी जाती हमारे पास ये इशू भी होता है अब तो अलहमदुल्लह काफ़ी चेंजेस आ गई हैं तालीम कहाँ से मिलेगी हमारे पास इक्वालिटी की बात करते हैं इक्वालिटी की एस्पेक्ट की बात करते हैं क्या हम तैयार हैं हम जस्टिफाइड फॉर्म में भी देना क्या हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लॉयड करते हैं हमारे पास पास सवाल ये होता है कि के आ के और विमिन, तो क्या एक बेटा भी अपनी ऊपर है क्या किस तरह से अथॉरिटी है क्या ये सारी चीजें हमें बाकी सारी चीजें देखने की चाहिए शेयर करना चाहिए भाई जैसे हम बात करें लॉ मेकिंग अथॉरिटी की देखिए जब अल्लाह किसी को रिस्पांसिबिलिटी देता है बल्कि दुनिया में भी अगर हम देखते हैं कि किसी को रिस्पॉसिबिलिटी मिलती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि अगर फॉर uh, एग्जांपल अगर मेरे फ़ादर मेरे लिए कुछ चीज़ अगर मेरे मेरे रिस्पॉन्सिबल हैं तो मुझे कुछ चीज़ों से रोकेंगे क्योंकि मैं दूसरे एक्सट्रीम पे भी देख रहा हूँ कि अगर हम दूसरे एक्सट्रीम पे हम कहते हैं कि भाई हर चीज़ जो है वो आ, बाहर निकल जाओ बस आ, मतलब मर्दों की तब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए लेकिन ऑन अदर साइड बिल्कुल दूसरे एक्स्ट्रीम पर भी नहीं होना चाहिए हमें बैलेंस रहना चाहिए कि अगर अगर मर्द जो है वो किसी चीज़ से रोक रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो पहले तो दुनिया वालों के सामने उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो एज अ फादर एज अ हस्बैंड उसको फ़ेस करना है लोगों को दूसरी बात अल्लाह त के सामने उसमें फ़ेस करना है तो ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए और फिर दूसरा एक्सट्रीम जो है वो ये कि मस्जिद से भी जैसे आप बता रहे हैं कि मस्जिद से भी रोक दो और हर जगह से रोक दो ये भी नहीं होना चाहिए बल्कि रसोलम कहते हैं है। तुम में से बेहतरीन वो है जो जो फैमिली के लिए से ज़्यादा बेहतर हो और मैं अपनी फैमिली के लिए से ज़्यादा बेहतर हूँ और आपको रसोल्ला वसम जैसे अदील भाई कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर कर रहे थे आप रसोल आसम की लाइफ से कभी भी आपको आ, उनकी वाइफ्स के वाइफ्स की तरफ से कोई भी ऐसा आ, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी कि उन्होंने कहा हो कि हमें ऐसा कुछ मिल नहीं मिला बल्कि रसोल्लासम ने उनकी हर चीज़ हर हर नीड को फुलफ़िल किया हर नीड को मतलब एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि उनकी वाइफ ने शिकायत भी की हो अच्छा हसान अबाउट एजुकेशन हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है और ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं अब अफकोर्स एजुकेटेड फैमिलीज़ डू नॉट बिलीव इन दिस वो इस तरह की बात नहीं करते ना इसके ऊपर कुछ अमल करते हैं लेकिन हमारी सोसाइटी में एक बहुत uh, बड़ा तबका इस तरह की बात सोचता है कि बेटियों की तालीम की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता और बेटों की तरफ ज़्यादा किया जाता है कि ये तो किसी और के घर जाने वाली हैं इनको पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत क्या है इवेंचुअली उन्होंने घर संभालना है अफकोर्स घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट एजुकेशन अबाउट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इज़ इम्पोर्टेंट तो आपके क्या इस हैं शेयर करने के लिए जो आपको आई थिंक जिस दिन में मतलब जब हम बात करते हैं सबसे बड़े स्कॉलर्स की और स्कॉलरशिप की जो हम बात करते हैं तो जिस दिन में हज़रत आयशा रजी का पहले नाम आता है वन वी टॉक अबाउट स्कॉलरशिप उस दिन में ये कि अगर चलते पैरोकार आज ये वाली बातें करें कि चलते औरतों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए या उस पर वो फोकस नहीं होता है या वो होता है कि चलो इनको कोई ऐसी कोई ना कोई फालतू सी फील्ड में डाल दो ताकि एक बस होके निकलें लेकिन उस पर पूरा अपना इन्वेस्टमेंट करो जो कहते लड़का है आई थिंक हम एक वो कहते हैं ना एक विशेष साइकिल में फंस गए हैं कि हमारे सोशल जो एक्शन हैं वो डिपेंड करते हैं सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमें ये क्योंकि एक प्रेशर होता है वालदे के ऊपर कि हमारा बेटा जो है वो कुछ कमा के दिखा दे, वो कुछ बन के दिखा दे तो वो उस प्रेशर के वजह से वो क्या करते हैं कि वो सारा फोकस उसकी तरफ डाल देते हैं उसी की वजह से जो कहते सफ़र करती हैं वो कहते लड़कियाँ करती हैं तो वो एक साइकिल बन गया और हम रियलाइज़ नहीं करते कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि हम अब जैसे गैरत की बात आती है ये एक ये एक सोशल प्रेशर है कि गैरत सिर्फ कहते औरत के वक्त महसूस होती है

और इसी चीज़ पे मैं यही बात कर रहा था कि अब जैसे आप अगर एक देखें आ, हमारे पास एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि मर्दों मर्दों की तरफ जो है आप तरबियत की भी जब बात करते हैं हम मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो एक रिलेशनशिप एक वालदा के साथ होता है ना दैट इज़ द ओनली रिलेशनशिप जिसकी एक साइटिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी के अंदर उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो बाकी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं एज अ हस्बैंड एज़ अ एज इवन एज ए सिबलिंग और एज जैसे मैं बात कर रहे थे फादर वहाँ पर वो सैंटिटी आपको नजर नहीं आती अनफॉर्चुनेटली और इसमें जैसे सबसे ज्यादा जो एक मिसाल नजर आती, आती है वो ये आती है कि एक सास का एक तशद होता इसके ऊपर हम बात करेंगे लगता है काफी लोगों को नाराज कर दिया गया है बट हमारा काम है सच बोलना हम इंसान हैं और हमारी बात करने में ऊंच नीच हो सकती है बट हमारा बेसिक मकसद है सच बात करना और दोनों साइडों के ओपिनियन को ख्याल में रखना हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं सो डोंट गो एनी वेयर विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back after the break. break mein se pehle hum baat kar rahe the break, we talking about being responsible husbands, being responsible brothers, and being responsible son. And overall, being responsible citizens of a community and a society. जी हाँ आप सास के बारे में बात कर रहे थे जी मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास एक सास और बहू का जो डायनामिक है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है कि उसमें काफ़ी जो है वो एक इश्यूज आते हैं और काफ़ी होते हैं और इवन रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि जो बहुत सारे हमारे पास एसिड अटैक्स हुए हैं वो सास और ससुर की तरफ से हुए हैं हस्बैंड से ज़्यादा तो उसमें हमें एक चीज़ बड़ी नज़र आती है कि अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि वो जो एक सोशल आइडिया था वो खुवात के अंदर भी परमिट कर गया है जहाँ पे खात अपने उप, जब खातन के ऊपर म कर रही है तब भी वो उसको उनके लिए वो एक चीज़ एक्सेप्टेबल हो गई है तो वहां पे वही वाली बात आती है कि हम अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज में चले गए जहाँ पे बहुत सारा ऑपरेशन जो खुतिन के ऊपर हो रहा है उसको खातिन ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यही मेरा रोल है सोसाइटी के अंदर हाँ मैंने यही करना है जैसे कुछ लोगों के पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट uh, होता है कि वो घर से नहीं निकलने देता है मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे घर से निकलते हुए वो ताला लगा देते हैं कि ये औरत जो है वो घर के अंदर ही रहे बाहर ना निकल सके अच्छा मैं इस एक्सट्रीम पे चीजें देख चुका हूँ एंड वहाँ पे सबसे हैरत की बात ये होती है कि उस बेचारी लड़की ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है okay. कि हाँ मैंने करना ही है दैट इज वेर थिंग्स आर गेटिंग डेंजरस नाउ एट टाइम्स द वन हु गेट्स जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है उसको ये बात फील कराई जाती है कि दिस इज वट इज वॉट हैपनिंग विद यू is your राइट द राइट थिंग फॉर यू और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो, कितने भी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आते हैं जिसमें जब उनको काउंसलिंग की जाती है तो उनकी जो बेसिक स्टेटमेंट होती है कि मेरी गलती थी मैं टाइम पे कब चाय दे देती मैं ये कर देती तो ये वाली चीज एक एक्सेप्टेबिलिटी एक आ जाती है कि नहीं इट वॉज माई फॉल्ट बिकॉज द वन हुज ऑपरेसिंग मेक देश वन फील दैट इट वॉज योर द फर्स्ट प्लेस बिल्कुल ऑपरेशन वर्क लाइक दिस ऑपरेशन के लिए ये, मतलब फॉर ऑपरेशन टू कंटिन्यू एक बेसिक एलिमेंट है जो मजलूम है वो अपनी

कि अपना राइट जो है उसको सही तरीके से डिमांड करना उसके लिए खड़े होना उसको बिल्कुल दबा दिया जाता है ना ताकि अपनी ऑपरेशन को जस्टिफाई करके कंटिन्यू कराया जा सके अच्छा यहाँ पे मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ब्यूटीफुल नरेशन शेयर करना चाहूँगा कि एक सहाबी आए उनकी गोद में उनके बेटे भी थे और उनकी बेटी भी थी और उन्होंने बेटे को जो थे ख़ाली खिलौना दिलाया हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिकॉज अल्लाह के नबी व रमतिन थे और हैं और हमारे लिए जो है हिदायत का जरिया हैं और उन्होंने जब ये चीज़ ऑब्जर्व की तो ज़ाहिर सी बात है की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसके फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो वह होंगे और उन्होंने सवाल किया और साहबी से कि आपने बेटी को ये खिलौना दिलाया है उन्होंने नहीं और आप जाइए और आप बेटी को भी दिलाइए जो आपने बेटे को दिलाया है दिस इज़ वॉट आर दीन हैज़ बेसिकली टॉट अस दैट वी ट्रीट आर चिल्ड्रन इक्वली चाहे वो एजुकेशन के मैटर में हो हमारे पास ये सोसाइटी होती है कि नहीं बेटी कभी कभार कुछ लोग हैं अब तो हमारे पास ये कितना ये चीज़ पाई जाती है लेकिन एक बेटी को बोझ है और मैंने ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी हैं कि फादर्स की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मिला है कि एक बेटी जो है बाप से मिलने के लिए जब ऑफिस जाने से पहले उनके लिए इंतजार करती है तो वो इस बात पे कि बेटी की शक्ल ना देखी जाए ऐसा ना हो कि दिन बुरा गुजरे तो वो बगैर देखे साइड से रास्ता बदल के चले जाते हैं और ये ये एक एक्चुअल एक्चुअल किस्सा है है जिसको मैं आपको बता रहा हमारी फैमिली के साइड से हमने ये बात सुनी है कि इस तरह की चीज मिली है तो हम सुन के बड़ी अफसोस करते हैं करते हैं कि बेटी इज लाइक सपोज टू तो बी बीज ब्लैसिंग और बाप कितना खुश होता है बाप का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बेटी की तरफ से और किस तरह से हमारी सोसाइटी में ये चीज और होती है। आ, ये आज के दौर में भी ऐसा ही है कि जब आ, हम देखते हैं कि बेटी की पैदाइश होती है तो माँ का चेहरा भी बिल्कुल वो हो जाता है और बाप का भी लेकिन आ, और यही चीज़ आज नहीं बल्कि फोटी हंड्रेड ईयर्स बैक भी अगर आप देखें तो वो यही चीज़ थी कि साहब अपने किस्से आके सुनाते थे कि हमने जमाने जाहिलियत में हम हमने कैसे आ, अपनी बेटियों को जो है वो किस तरह रखते थे तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दीन हमें नबी सलम जब आए हमें हमें लेकर दीन लेकर आए तो हमें औरतों के हकूक़ दिए औरतों के हकूक़ इतने दिए कि ये भी कहा कि अगर कोई बंदा अपनी तीन बेटियों की परवरिश करता है उनकी सही तरीके से तरबियत करता है तो उसको मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ तो मैचन के वापस किसी साहबी ने कहा या यारसूल्ला अगर किसी की दो बेटियाँ तो आगे से नबी ने कहा जिसकी दो बेटियाँ हैं इवन स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कोई साहब ये पूछ रहे थे कि एक भी हो तो शायद रसोसम कह देते कि हाँ अगर एक भी हो तो मैं उसकी उसको जन्नत की ज़मान देता हूँ आप इमेजिन करें दीन जब इतना ज़्यादा औरतों को हकूक़ दे रहा है इतना ज़्यादा लिबरेट कर रहा है तो कैसे हो सकता है कि वो दीन जो है जिसको हम मिस करने की कोशिश करते हैं कि दीन जो है वो अप्रेस करता है ऐसा नहीं होता हम इतने सॉर्ट sort ऑफ of, कुछ एस्पेक्ट्स में हम इतने बेरहम हो गए कि हम मैं आई मीन इट्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमिना फॉर मी टू उसको एक्सेप्ट करना ना कि एक बाप अपनी औलाद के साथ स्पेशली और डॉटर वाइड वे से स्पेशली देखें एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है लड़के शरारती होते हैं ठीक है तो माँ बाप को गुस्सा आता है बट बेटियाँ जो हैं एंड इन जनरल वुमेन आर स्वीटर वुमेन आर मोर मोर दे हैचर एक कोई कुछ रीजन है जिस वजह से अल्लाह ताला ने इनको मदर्स होने की एक कैपेसिटी दी है एंड दे हैव दैट एलिमेंट किस तरीके से हमारे यहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है एंड बड़े होने के बावजूद आप देखिए अनफॉर्चुनेट केसेस में जहां पे मैरिजे वर्कआउट नहीं करती हैं डेवोर्सिस हो जाती हैं अब डाइवोर्स लड़के के लिए तो कोई इशू नहीं समझा जाता hmm. और लड़की के लिए सबसे बड़ा इशू उसकी अपनी फैमिली बन जाती है True.

पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं नेगेटिव आस्पेक्ट भी हैं लेकिन हम इस इशू को रेस कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो और लोग इस बात की अहमियत समझें कि अल्लाह सुबहाना तौला दोनों औलादों की इम्पोर्टेंस का जिक्र करते हैं दोनों को एक अलग इम्पोर्टेंस के लिए एक फैमिली में एक जगह दी गई है लेकिन बेटियों के बारे में नबी <laughs> वसलम ने ख़ासपॉर्टेंस का इजहार किया क्योंकि एक बेटी की एक मोहब्बत होती है फादर की रिस्पांसिबिलिटी होती है एट टाइम्स हमारे सोसाइटी में फ़ीमेल्स एक्चुअली एड ऑन जैसा आप लोगों ने बोला एड ऑन टू दी ऑपरेशन ऑफ़ फीमेल्स और के चक्कर में वो ऐसी एडवाइस देते हैं और ऐसे ब्रदर्स या हस्बैंड्स को या बेटों को इस चीज़ के ऊपर मजीद उलझाया जाता है कि आप इस तरह से मजीद करें अदरवाइज थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर हैंड और आप ज़्यादा कंट्रोलिंग बने तो वी नीड टू बी एबल टू वर्क एज अ फैमिली हम ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही एकदम ऐसा लिबरेशन दे दें दे कि दूसरे की हकूक वो हो जाएँ या दूसरे को इतना लिबरेशन दे दें कि वो दूसरे के ऊपर प्रेस हो जाए द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ दीज वुमेन आर बेसिकली डिप्राइव द राइट्स इज बेसिकली बिकॉज लोगों के दिमाग में उनको फिजियोलॉजिकली जो बेसिकली कमजोर इमोशनली उनको कमजोर समझ के ये समझ गए यूजिंग द वर्ड कि समझा जाता है और उसके बिना पे उनको इमोशनली जो है ब्लैकमेल करके उनके साथ जो एक्सप्लोटेशन होती है वो यूजुअली एक सोसाइटी में पाया जाता है जिसके बिना पे आई थिंक वी नीड टू बी एबल टू यू नो अंडरस्टैंड दैट दिस कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एवरी मेम्बर चाहे वो मेल हो फीमेल हो इस कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द सोसाइटी एंड हर किसी का इंपॉर्टेंस है आई पर्सनल बिलीव द मदर्स प्ले अज रोल इन ब्रिंगिंग अ गुड मैन इन ब्रिंगिंग गुड ब्रिंग अप गुड फादर एंड बी एबल टू यू नो उनकी तरबियत करना उनको सही तरह सिखाना एंड आई हैड माशाल्लाह से अ वेरी गुड ब्रदर्ज गुड मदर गुड सिस्टर मेरी फैमिली में इस चीज़ की बहुत रही है तो मैं इस चीज़ टॉपिक की तरफ एक काफ़ी मेरी एक वो थी जो हम लोग रखना चाह रहे थे एंड इफ यू हैव एनी थिंग टू शेयर फ्रॉम योर पर्सनल ऑब्जर्वेश तो आप वो भी हमें बता सकते हैं बिल्कुल जी भाई जैसे कि एक कोर्ट भी है एक अच्छी माँ दो तो मैं तुम्हें तो एक अच्छी जनरेशन देता हूँ बिल्कुल इसी तरीके से माँ की तरबियत बच्चों की बच्चों की पूरी लाइफ या बच्चों की नस्लों तक जो है वो उसको आ, उसके लिए सबक आमोज होती है और उससे पूरी जनरेशन को फ़ायदा होता है और आ, हमें चाहिए कि हम अपनी वुमेन को अपनी औरतों को एजुकेट करें उनको मसाजद में आने दें उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आने दें ताकि वो कुछ सीखें और आ, अपनी अपने बच्चों की तरबियत उसी तरीके से करें अपनी फैमिली की अपने हसबेंड्स की तरबियत भी करें जिस तरह हसबेंड के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी औरतों की तरबियत करें बिल्कुल इसी तरीके से औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हस्बैंड की भी तरबियत करें और लॉट ऑफ टाइम मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ तो आ, मेरी मेरी वालदा ने हमारी तरबियत ज़्यादा की है फ़ादर से ज़्यादा शायद पर नाराज़ हैं लेकिन अलहमदिल्ला ने आ, मेरी वालदा के थ्रू मेरी ज़्यादा तरबियत की है फादर से ज़्यादा जैसे सायर हाँ कर रहे थे काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस बात का ख्याल रखती हैं ऐसा भी नहीं है कि वे आर टॉकिंग इन अ जनरल टर्म्स लेकिन बात सवाल ये है कि हम इस इशू को रेस कर रहे हैं ताकि फैमिली सुने और ये देखें कि हम किस तरह से एक टाइम चेंज हो रहा है और लोगों की सोच बदल रही है और हम इस बात को देखें कि क्या हम 1400 साल पीछे जा रहे हैं वही चीज़ जो इस्लाम हमें रोकने के लिए आया था जिस जहाज से निकालने के लिए आया था या हम हसी में दाखिल हो गए हैं या हम जो तालीमा इस्लाम लेके आया था जिस तरह से उसने हकूक दिए थे औरतों के लिए और मर्दों के लिए हम उसके ऊपर अमल करें इसी बात के साथ हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएँगे प्लीज़ डोंट गो एनी वेयर विल बी राइट बैक अस्सलाम वालेकुम असलमैल वरहल वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक यू आर वॉचिंग यूथ डायलॉग और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हस्बैंड्स शोहरों की रिस्पॉसिबिलिटी बेटों की रिस्पॉसिबिलिटी मिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी तरह से जो फादर्स हैं उनकी रिस्पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए हसन आप ब्रेक में जाने से पहले कुछ शेयर करना चाह रहे थे जी मैं यही कह रहा था कि असल में बात वही है कि अब अब क्योंकि हम एक सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पे एक एक माइंडसेट स्प्रेड हो चुका है तो वी नीड टू रियलाइज कि लाइक like ऑलवेज इस माइंडसेट के खिलाफ आज खड़े होकर उसको चैलेंज करना जो है इज वन सगैंड चैलेंजिंग द स्टेटस को एंड एवरी टाइम यू चैलेंज द स्टेटस को तो इट्स वेरी टफ क्योंकि उसका एक रिएक्शन आता है क्योंकि देखिए हुआ यह है कि ये एक सोशल प्रॉब्लम था ये ग्रो होने लगा यह माशरे में फैला उसी माशरे से जब आलिम दीन निकल के आए कुछ तो उनके अंदर भी वही एक बेंट आ गया जिसकी बेसिस पे उन्होंने रिलीजन को भी उसी तरह इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया तो अब वो वाली सिचुएशन आ गई है जहाँ पर हमें वंस अगेन पीछे जाना है वी नीड टू टेक पीपल इन टू अर डायलॉग वी नीड टू टेक पीपल इं टू आर डिस्कशन एंड स्टार्ट रेजिंग अवेयरनेस ऑन दिस कि नहीं ये चीज़ इस्लाम का हिस्सा नहीं है हम इसको बड़ा क्लियर कर दें कि ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वी नीड टू फिनिश दिस ऑफ रेज दैट अवेयरनेस एंड वंस अगेन उस अवेयरनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो होगा वो सिर्फ ख़वान का नहीं होगा कि वो मर्दों का भी होगा क्योंकि वो माइंडसेट जो चेंज करना है वो मर्दों में भी चेंज करना है hmm. और हम अक्सर उस एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं हमारे पास हर चीज़ में जो है वो फोकस इस पर होता है कि औरत के ऊपर ज्यादा काम किया जाए हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते और हम देख रहे हैं कि शुरू दिन से जब ख़ासतौर पे आपको भी आइडिया आप अलते लड़कों से डील करते हैं जिस जब ये टीन के अंदर एंटर होते हैं तो उनके अंदर औरत की कोई इज्जत नहीं रहती कोई इज्जत नहीं रहती दिस स्टार्ट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन फ्रॉम दैट एज ऑनवर्ड्स और वो जब उसी चीज़ को आप आगे लेके जाते हैं तो आपके लिए एक औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही रह जाती है तो वो मेंटालिटी जो है इतनी आराम से नहीं टूटेगी, आई थिंक इट्स हाई टाइम के एज मेल्स आई एम एड्रेसिंग द मेल्स एनी कैपेसिटी दैट दे आर उनकी लाइफ में जो जो फीमेल्स इन्वॉल्व है ना वो उनके उनके राइट्स पढ़ें कि आपके ऊपर क्या ड्यू है स्टॉप फोकसिंग ऑन योर राइट्स के मेरा यह हक है मेरा यह हक है स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सीरियसली जो जो फी, फी, फीमेल्स भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं गो एंड स्टार्ट गिविंग देम देयर राइट्स If you have your mother 's Alhamdulillah, then go give her a kiss, hug her. If you have your sister, go tell her that you love her and she is a blessing in your life, and that goes for any female that is there in your life this is showing love to your wife and your daughters. जब नबी वसल्लम घर जाते थे किस तरह से अपना प्यार का इजहार करते थे कि लोग उनको देखते तो घर में खुश होते हमारे पास लोग आते हैं ऐसा तो बच्चे छुप जाते हैं इस तरह की चीज़ होती है वन वेन वॉज द लास्ट टाइम यू टोल्ड योर वाइफ इवन आफ्टर बी मैरिड टू हर फिफ्टीन ईयर्स अवे एम नॉट आस्किंग यू जस्ट आस्किंग जनरल हम लोगों के ऑडियंस की, की तरफ ये बात कर रहे हैं कि अपनी वाइफ को आपने सच्चे दिल से विदाउट बींग फॉर्मेलिटी के उसके डर से आपने कब बोला यू यू बॉट हर अ गिफ्ट फॉर हर यू यू टुकर आउट ऑन स्पेशल इवेंट यू नो योर वाइफ दिस इज समथिंग विच इज़ हलाल आप उनके साथ ले यू आट आई लव यू टू हर

एक दूसरे की चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं जो चीज़ होगी कि किस तरह से प्यार दिया किस तरह से रिस्पेक्ट दी किस तरह से आपने उनके लिए एक बिहेवियर रखा अच्छी तरीके से दिस इज़ वॉट मैटर्स जी साख मैं कंकलूज मार्क्स में ये कहूँगा कि मैं दोनों को कहूँगा कि वाइफ या फीमेल्स को कि आप अपने मेल फैमिली रिलेटिव हैं जो फैमिली मेबर्स हैं उनको अपना दुश्मन ना समझें वो आपके आपके फैमिली मेबर्स हैं वो आपसे मोहब्बत रखते हैं और मे भी उसी मोहब्बत को ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं और जब भी वो थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इस चीज़ को मतलब उनको एजुकेट करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप एजुकेट करें आप उनको समझाएँ लेकिन उनको एज दुश्मन ना बना लें कहीं आ, कहीं फ़ैमिली रिलेशन आपके ख़राब ना हो जाएँ और दूसरी तरफ मैं मेल्स को कहूँगा कि वो अपनी जैसे अदीब भाई ने कहा कि अपने अपनी जो फ़ीमेल्स हैं उनके राइट्स पढ़ें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ें और दोनों को जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो इन दोनों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है फीमेल्स एंड मेल्स दोनों को और जब भी रसोल्ला वसम ने दोनों को मस्जिद में अलाउ किया था कि दोनों फीमेल्स भी आएँ और मेल्स भी आएँ और इवन कभी कभार रसोल्ला वसम एक्स्ट्रा तरबियत या एक्स्ट्रा तालीम औरतों को ज़्यादा देते थे क्योंकि मर्दों कहीं ना कहीं आप वो मसाजिद में वैसे ही नॉर्मली आते रहते हैं तो उससे उनको कहीं ना कहीं कोई बात मिल जाती है लेकिन औरतों को एक्स्ट्रा कभी कभार नबी ससम जो है वो तरबियत देते थे तो दोनों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है और दोनों को साथ सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है दोनों को साथ आगे बढ़ना है इनशाला जी आसान जी बिल्कुल आई एग्री विद ऑल ऑफ दिस और आई थिंक वही वाली बात है कि हमें इस चीज़ के लिए बड़ा तैयार रहना चाहिए कि ये जो चेंज है ये पहले आपके अपने घर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये बी अ क्योंकि आपको वो जब तक वो चीज़ खलती रहेगी ना कि नहीं सोसाइटी क्या बोलेगी सोसाइटी क्या बोलेगी आप hmm. निकल नहीं सकते इसमें से hmm. तो स्टार्ट विथ योर ओन हाउस पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू ये चीज़ अक्सर लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब आप अपने घर में एक चीज़ स्टैब्लिश करते हैं कि नहीं यार ये चीज़ है तो जो अतराफ में देख रहे होते हैं वो उस चीज से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं पॉजिटिवली और आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लुएंस ग्रो होता है और होपफुली somewhere down the line we'll get out of this problem and there needs to be a balance and there needs to be a serious balance aisa bhi nahi hai ki aap is show ko sunne ke baad jo sisters hain hmm. jo females hain wo bone ke nahi ab hamare liye demanding hai there has to be a sense of responsibility because at the end of the day hame allah subhanahu wa taala ko jawab dena hai हम Subhanahu Wa Taala को राज़ी करने के लिए सारी बात कर रहे हैं कि हम अपने जो देने वाले हकूक़ हैं उनको सही तरीके से क्योंकि हमसे सवाल होगा कि तुमसे तुम्हारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल होगा और यही एक नबी वसल्लम ने अपनी रिवायत में कहा है कि एवरीवन जो आपके रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं वो अपनी शपट के रिस्पॉसिबल हैं और अल्लाह उ माता उस रिस्पांसिबिलिटी का सवाल करेंगे तो जब आप ये बात सोचें गौर व फिक्र करें कि मुझसे जो रिस्पॉसिबिलिटी दी गई है एज अ सन एज अ फादर एज अ हस्बेंड एज अ ब्रदर मुझे जो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझसे सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा अगर सिर्फ हम ये सोच लें अगर हम ये सिर्फ गौरव फिक्र करें कि मुझे जो सवाल पूछा जाएगा मैं उसका क्या जवाब दूंगा अगर मुझसे पूछ लिया गया कि क्या तुमने किस तरह से ट्रीट किया अगर मुझसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत में पूछ लिया कि तुम्हें मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तुम्हारी वाइफ की तुम्हारी डॉटर्स की क्या तुमने पूरी की क्या मैं रिस्पॉन्सबिलिटी का जवाब देने के लिए तैयार हूँ अगर हम इस तसली में हैं कि हम जवाब दे सकते हैं तो हमें ये बात को गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम अल्लाह के सामने इस बात की जवाब देने के लिए तैयार हैं कि हम जो बींग मेज इन दोसाइटी क्या हम अपनी बहनों के साथ अपनी बीवियों के साथ जो सलूक करते हैं क्या अल्लाह सुमा उसको पसंद करते हैं क्या सुन ने यही तालीमत हमें दीन की दी हैं उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी सीखने को नहीं तो कम अज़ कम आपकी सोच को तब्दील करने के मिली होंगी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा मैं खैरबाद कहता हूँ मोहम्मद वजीद्दीन अपने पैनल मेम्बर्स के साथ इसहाक बिन सदक अदील हनीफ और हसान अहमद के साथ हमें अपनी दुआ में खास याद रखिएगा और हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा बारक बारकल्ला वरह वा